इस वक्त सीधे आपको लिए चलेंगे दिल्ली। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंच रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीपीआईएम समेत तमाम पार्टी के लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि 2024 जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है उससे ठीक पहले राष्ट्रपति चुनाव भी देश में होना है, और ऐसे में विपक्ष कह सकते हैं अपनी एकजुटता दिखा रहा है। इस बैठक के द्वारा मंथन चल रहा है जिसमें यूपी से समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को पहुंचना है। हालांकि ये जो बैठक है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तमाम नेता आज दिल्ली में पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से भी रणदीप सुरजेवाला इस वक्त मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और ऐसे में ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है। ये माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा जा सकता है, और ऐसे में वो प्रत्याशी जो विपक्ष की तरफ से उतारा जा सकता है वो एनडीए को किस तरीके से शिकस्त दे सकता है, इसको लेकर भी काफी गहन मंथन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सीपीआईएम पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हालांकि बसपा ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। वहीं आपका भी कहना है कि अभी फिलहाल ये देखिए अखिलेश यादव भी इस तस्वीर में दिख रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरफ देश में बीजेपी की सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता अब ऐसे में एकजुट हो रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि ये सभी भी अपना एक उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतार सकते हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तमाम नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जहां पर बैठक होने जा रही है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, और तमाम समीकरण इस बैठक में बनाए जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, और ऐसे में 18 जुलाई को चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी पुरजोर रणनीति के द्वारा लगातार कोशिशें करता दिख रहा है।